दोस्तों हाल ही में रूस ने अमेरिका के M2-9 ड्रोन को अपने सुखोई SU-27 से मार गिराया है। वही ड्रोन जिससे अमेरिका रशियन एक्टिविटीज पर नजर रखता था और यूक्रेन को सारी इन्फॉर्मेशन देता था, जिससे कि यूक्रेन के सोल्जर्स पहले ही अलर्ट हो जाते थे। अब इस घटना के चलते अमेरिका और रूस के बीच फिर से विवाद शुरू हो गया है। इस घटना को लेकर US और रूस दोनों ही देशों के अलग अलग बयान आए हैं, जहां अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम अपने ड्रोन के साथ रूटीन ऑपरेशन कर रहे थे, तभी वहां पर रूस का फाइटर जेट आया और हमारे ड्रोन पर फ्यूल डंप किया, जिससे ड्रोन का बैलेंस बिगड़ा और क्रैश हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ रूस का कहना है कि अमेरिका का यह ड्रोन हमारी सीमा के अंदर घुसकर जासूसी कर रहा था, जिसके चलते हमने अपने फाइटर जेट को भेजे, लेकिन उसके बाद अचानक खुद ही US का ड्रोन आउट ऑफ कंट्रोल होकर पानी में गिर गया। अब इस घटना के बाद अमेरिका को प्रेशर दिया जा रहा है कि रूस से इसका बदला लिया जाए, और अगर अमेरिका ने ऐसा नहीं किया तो जो बाइडेन को लोग एक कमजोर नेता समझेंगे।